हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ न्यूज़पेपर, आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से परिवर्तन, चेंज के बदलाव के कारण हो रहे परिवर्तन की वजह से हाल ही में दुबई में देखने के मिली इतनी अधिक वर्षा के कारण को। उसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे किस तरह से निरंतर पर्यावरण के साथ हो रहे परिवर्तन और बढ़ते हुए तापमान के कारण महिलाओं के साथ इसके क्या प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से WTO में उठ रहे विवाद चीनी से संबंधित को लेकर भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के बीच में की गई वार्तालाप के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से नासा के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से असम की घाटी में पाए जाने वाले पक्षियों की रहस्यमय मृत्यु के कारण या फिर उनसे संबंधित समस्याओं के विषय में। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पेरियार नदी के बारे में। नेक्स्ट किस तरह से सिटी इंडेक्स, जो ग्लोबल सिटी इंडेक्स में भारत के का स्थान हुआ या फिर अन्य देश जो कि प्रथम स्थान पर थे, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। भारी भारी पड़ती कुदरत की मार तो हाल ही में देखने को मिला था, किस तरह से दुबई में लगातार 12 घंटे तक बारिश होती रही तथा 20 mm से लेकर यह 24 घंटे तक 34 mm तक पहुंच गई थी। इतनी अधिक वर्षा दुबई में कभी नहीं देखी गई है। दुबई में होने वाली सामान्य वर्षा की 4 गुना अधिक थी, जो कि उसके पश्चात प्राकृतिक तूफान, भयानक बाढ़, आंधी तूफान जैसी समस्या देखने के लिए मिली। क्योंकि दुबई के अंदर इतनी अधिक वर्षा नहीं होती, इसलिए वहाँ इन सभी समस्याओं से समाधान के लिए इतने सरल उपाय नहीं थे कि किस तरह से पानी को वहां से निकाला जाए, और सभी इतनी अधिक समस्या देखने के लिए मिली थी। किस तरह से पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर 71% पानी है, जिसमें से 29% जमा हुआ है, और 29% जमीन पर एक तिहाई भाग ठंडा और गर्म रेगिस्तान है। अरब का उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, जब उपोष्ण कटिबंधीय की बात करते हैं तो वह उपोष्ण कटिबंधीय 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। रेगिस्तान में 23.3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अधिकतर सऊदी अरब का भाग जो है वह, उसके अलावा अन्य भागों की बात करते हैं तो जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, एमिरात, ओमान, यमन में भी हम इसे फैला हुआ देखते हैं। किस तरह से रेगिस्तान के पूरे वर्ष में 250 mm से भी कम वर्षा औसतन वर्षा होती है। वहीं जब खंबात खाड़ी की बात करते हैं, किस तरह से खाड़ी के रेगिस्तान देशों में इतनी अधिक बारिश की वजह से कितनी अधिक तबाही हमें देखने के लिए मिली है। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैर पख्तून सहित अफगानिस्तान के इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी समस्या हमें देखने के लिए मिली थी। जब हम सऊदी अरब अमीरात की बात करते हैं तो वहाँ के रेगिस्तान में घटते भूजल के लिए समस्याएं देखी जाती है। किस तरह से वहां पर बारिश के लिए अक्सर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि 30 से 45% अधिक बारिश होने का कारण वहां पर क्लाउड सीडिंग ही है, जिसकी वजह से वहां पानी की पूर्ति की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कृत्रिम बारिश की विधि विज्ञान ने तो ईजाद कर लिया, लेकिन चीन ने जब 2022 में ओलंपिक खेलों के लिए किस तरह से खेलों से पहले, ताकि खेलों के समय बारिश ना हो, इसलिए क्लाउड सीडिंग कर वह मौसमी घटनाओं को पहले ही कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कृषि बारिश केंद्र के लिए हवाई यान के जरिए रासायनिक छिड़काव किया गया था और बारिश की गई थी। यह तकनीक कहना मुश्किल होगा कि कितनी बारिश होगी या फिर किस तरह से होगी या फिर इसका किस तरह से मौसम में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इस विषय पर अभी चर्चा की जा रही है, किस तरह से क्लाउड सीडिंग के कारण होने वाली वर्षा के कारण क्या प्रभाव होंगे, परिवर्तन होंगे जब हम पर्यावरण की बात करते हैं। किस तरह से पूर्वानुमान लगाकर यह सूचना दी जाती है कि आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, किस तरह से क्लाउड सीडिंग की वजह से नहीं बल्कि जब हम देखते हैं समुद्री इलाकों में भारी दाब के चलते तबाही की बारिश हुई है। प्रश्न यह भी है कि आखिर खाड़ी देशों में इतनी अधिक आंधी तूफान और बारिश क्यों हो रही है, जबकि वह आमतौर पर इन दिनों में बारिश होती ही नहीं है। क्या सिर्फ क्लाउड सीडिंग ही इस बारिश का एक कारण है या फिर अन्य कारण भी है? जब मानते हैं कि मौसम बदलने की वजह से पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर से आए कम दाब की वजह से अधिक बादल होने के कारण यहाँ पर देशों में इतना अधिक बारिश का कहर देखने के लिए मिला है, क्योंकि पिछले 75 वर्षों में दुबई में इतनी भारी बारिश कभी नहीं हुई जितनी 2 दिनों में
2 साल में होने वाली बारिश के बराबर वहां पर पानी भर गया है। 20 मिलीमीटर जहां बारिश होती थी वहां पर 142 मिलीमीटर तक बारिश पहुंच गई है, जबकि इतनी अधिक बारिश वहां देखने के लिए कभी नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में चिंता जताई थी, जिसमें 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यह खाका तैयार करने के लिए कहा गया था, किस तरह से जो परिवर्तन क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से उपाय लिए जाए और सम्मेलन में आरंभ किया जाए। लेकिन यह माना गया था 2001 में कि मनुष्य के कारण, इंसानों के कारण भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने अनिवार्य है। इसलिए पेरिस सम्मेलन में विश्व तापमान को 1.5 डिग्री से ऊपर जाने से रोकने के लिए रखा गया था, जबकि मौसम और गर्मी सर्दी के कारण तापमान निरंतर बढ़ता रहता है, इलाकों में सूख जाते हैं और वन में आग लगने जैसी घटनाएं देखने के लिए मिलती है। वहीं रेगिस्तानी इलाकों में इतनी अधिक बारिश हो जाती है कि वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इन घटनाओं के कारण, इन घटनाओं को देखते हुए चिंताजनक है और चिंता जतानी अनिवार्य भी है, क्योंकि परिवर्तन जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, फसल नष्ट होंगी तथा खाद्यान्न पर भी संकट हो सकता है। वहीं जब हम COP28 की बात करते हैं, जहां पर संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से निपटने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बनाए रखने के लिए जीवाश्म ईंधन को परियोजना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कदम उठाए गए थे। वहीं पर्यावरण योजनाएं बनाई गई थी जिसके कारण इस तरह की घटनाएं उत्पन्न ना हो और उनको रोका जा सके। जलवायु संकट से जूझती महिलाएं, तो किस तरह से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, आंकड़े शोध की गई, जिसमें बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में महिला और बच्चों में विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता देखने के लिए मिली है। किस तरह से इनसे अधिक संपर्क में आने के कारण छोटे बच्चों में बौनापन, कम वजन और जल्दी गर्भधारण करने की संभावना अधिक देखने के लिए मिली है। किस तरह से भारत के 70% जिलों में बाढ़, सूखा, चक्रवात या का खतरा निरंतर बढ़ा रहता है। वही हम बात करते हैं, 394 जिले ऐसे हैं जो सूखे की मार झेल रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि महिला और बच्चों में कुपोषण, किशोरावस्था से में गर्भधारण से संबंधित समस्याएं और घरेलू हिंसा की गंभीर समस्या देखने के लिए मिलती है। देश में 51% बच्चे गरीबी और जलवायु संकट की मार झेल रहे हैं, जिसमें भारत की बात करें तो 35.2 करोड़ बच्चे वर्ष में एक बार प्राकृतिक आपदा का सामना करते हैं, जो कि निरंतर हो रहे परिवर्तन में बदलाव के कारण हो रहा है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सार्थक कदम उठाने सख्त जरूरी है। वही हम देखते हैं कि किस तरह से चुनाव से या फिर राजनेताओं से या फिर इन सभी में हमें पर्यावरण संकट से संबंधित मुद्दे देखने के लिए नहीं मिलते। इतनी विकराल और विकट संकट होने के कारण भी जलवायु परिवर्तन के ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। किस तरह से तापमान के निरंतर बढ़ने के कारण, जब हम बात करते हैं साइलेंट किलर कही जाने वाली लू, जो कि हीट वेव के नाम से भी जानी जाती है, वह अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जिसके कारण 1901 से लेकर 2018 के बीच में आमतौर पर 0.7 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण मृत्यु जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। वहीं वायु गुणवत्ता मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से भी ज्यादा हो गया है, जो भारतीय की औसत आयु 5.3 वर्ष तक कम हो रही है। किस तरह से यह समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानी इलाकों में बौनापन बढ़ रहा है, जिसका कारण पर्यावरण चेंज है, निरंतर तापमान के कारण और होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के कारण इस प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलती है। समय से पूर्व बच्चों में जन्म का खतरा ढाई कई गुना अधिक बढ़ गया है और इस तरह से नवजात शिशु में भ्रूण के समय भी मृत्यु के जो संकट है वह बढ़ता जा रहा है। जैविक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कारणों से पुरुष और महिलाओं में अलग अलग तरीके के प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। किस तरह से उच्च रक्तचाप और प्री एक्मे पीशिया नामक खतरनाक खतरा भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। गर्भपात और समय पूर्व प्रसव से कई गुना खतरा इस तरह से बढ़ जाता है। किस तरह से बच्चों में बौनापन होने की संभावना 6% अधिक हो गई है, कम वजन की संभावना 24% अधिक हो गई है और न्यूनतम आहार विधि में 35% की कमी अनुभव किया गया है। जब हम बात करते हैं सशक्त आत्मनिर्भर भारत की, तो उसके साथ साथ बात की जाती है किस तरह से पोषण 2.0 और आंगनवाड़ी, मिड डे मील जैसी जो प्रोग्राम है उनको चलाया गया, ताकि भारत से
जो समस्याएं हैं आहार संबंधित और मेल न्यूट्रिशन संबंधित, उनको खत्म किया जा सके, लेकिन इस तरह से बढ़ती समस्या को किस तरह से रोका जाए जो कि महिला और बच्चों दोनों के लिए हानिकारक है। दुनिया भर में हर वर्ष करीबन 1.53 लोगों की मौत हो जाती है। आश्चर्यजनक बात है कि 20% मौतें अकेले भारत में ही होती है। तो कितनी बड़ी संख्या में मौतों का कारण केवल पर्यावरण में हो रहे बदलाव हैं, जो कि समय के साथ अगर नहीं रोके गए और संवेदनशील कदम इनके लिए नहीं उठाए गए तो अन्य समस्याओं का कारण भी हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण निरंतर पर्यावरण परिस्थिति बिगड़ सकती है, और जो खतरा है चक्रवात, बाढ़, सूखा का बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से विभिन्न समस्याएं हमें देखने के लिए मिलेंगी। नासा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को आधुनिक प्रशिक्षण मुहैया कराएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए संयुक्त प्रयासों के साथ बढ़ावा देने के लिए और उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को आधुनिक प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा, जिसमें भारत अमेरिकी अमेरिकी भारत वाणिज्य अंतरिक्ष सम्मेलन में कहा गया था कि इस तरह से भारत अमेरिका और भारत के बीच में आंतरिक स्टार्टअप के लिए यह अवसरों की शुरुआत होगी। जब बेंगलुरु यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएस कमर्शियल सर्विस के माध्यम से यह जारी किया गया है कि इस तरह से पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के खतरे, समुद्र में के बढ़ते स्तर को, क्रायोस्फीयर समेत सभी संसाधनों पर नजर रखने के लिए इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निसार उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। तो निसार किससे संबंधित है कि पृथ्वी की सतह की जांच रखेगा, पारिस्थितिक तंत्र के विषय में, प्राकृतिक खतरों के विषय में, समुद्र के बढ़ते जल स्तर के विषय में और क्रायोस्फीयर से संबंधित समस्या संसाधनों पर नजर रखने के लिए निसार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। जब हम अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो हाल ही में हमें देखने को मिला था कि अंतरिक्ष अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया था कि इस तरह से हम प्राइवेट कंपनियों को भी जोड़ सकते हैं और उन्हें उस तरह का डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं जिस तरह से अमेरिका द्वारा और अन्य देशों के द्वारा किया जाता है, और स्पेसएक्स जैसी विभिन्न अंतरिक्ष कंपनियां और जैसी ढांचा प्रदान कर सकते हैं ताकि स्टार्टअप और आगे बढ़े और अधिक समस्याओं से को सुलझाया जा सके और आसानी से उन सभी स्तर पर जुटाया जा सके ताकि अंतरिक्ष से संबंधित जो विकास है वो और अत्यधिक हो सके। मालदीप के साथ मुक्त व्यापार समझौता चाहता है भारत सही दी। तो मालदीप के मंत्री द्वारा यह कहा गया है कि भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और इसका लक्ष्य पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आर्थिक विकास और वाणिज्य मंत्री मोहम्मद सईद से संवाद के द्वारा कहा गया कि किस तरह से साक्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते के अलावा मालदीव के साथ अलग से मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं, जिसके जब हम देखते हैं किस तरह से भारत और मालदीव के बीच में 1981 में व्यापार समझौता हुआ था, जिसमें वस्तुओं के निर्यात पर प्रावधान किया गया था, और भारत उच्च आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार भारत मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 2021 में पहली बार 30 करोड़ डॉलर पार कर गया। वहीं 2022 में वह 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया था। ग्लोबल सिटी इंडेक्स, तो ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 दिया गया, जिसमें जब हम शीर्ष देशों की बात सिटीज की बात करते थे, न्यूयॉर्क, लंदन, सैन जोस को रखा गया। वहीं दिल्ली 350वें स्थान पर, बेंगलुरु 411वें स्थान पर और मुंबई 427वें स्थान पर है। तो तीन शहरों को इसमें शामिल किया गया है। देख सकते हैं किस तरह से सरकार के द्वारा पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों को यहाँ पर दिखाया गया है कि भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना, वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, या जब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत की, तो उसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, रसोई घर में तक पाइप और सस्ती गैस पहुंचाना, उज्ज्वला योजना की बात कर सकते हैं, पीएम सूर्य उदय योजना जो कि घर में सोलर सेल पर सब्सिडी दी जाती है जिसके माध्यम से उन्हें यह अपने घर पर लगवा सकते हैं, किसान सम्मान निधि जो कि डायरेक्ट बैंक बेनिफिट की बात करते हैं पहुंचाया जाता है, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे को जोड़कर और अन्य स्टार्टअप को प्रमोट किया जाता है, वंचित समाज में युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के नए अवसर, स्किल इंडिया
के विषय में हर घर जल नल से जल पहुंचाएंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में सभी को कनेक्ट करने के लिए हर घर नल योजना आरंभ की गई। भारत में मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए गए। आत्मनिर्भर भारत के तहत मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ टाइप किया गया, जैसे सैमसंग और अन्य कंपनियां, जिनके द्वारा छोटे छोटे कुलपुच्चों को बनाया जाएगा, जो कि निर्यात आयात करने पड़ते थे, उनकी आवश्यकता ना पड़े और उनके ऊपर आत्मनिर्भरता बढ़ सके। वही मुद्रा योजना के माध्यम से स्टार्टअप के लिए 20 लाख रुपए तक राशि बढ़ा दी गई, ताकि स्टार्टअप को और बढ़ाया जा सके और इनोवेशन को बढ़ाया जा सके। WTO में चीनी सब्सिडी की अधिसूची समय पर दे। तो 2022 में WTO के व्यापार विवाद निपटारण पैनल के में अपील की गई थी, जो कि देशों के घरेलू समर्थन उपाय विषयों पर मापदंडों को असंगत होने पर भारत ने WTO की अपील की थी, जबकि ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के इनका समर्थन किया था। समर्थन उपायों पर भारत के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। वहीं हमें हाल ही में देखने को मिला है कि किस तरह से भारत के आग्रह किया कि चीनी सब्सिडी अधिसूचना समय से दे, जबकि भारत का कहना है कि अभी तक भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किसानों से गन्ने का भुगतान खरीद ही नहीं की गई है, क्योंकि वह वहां की मंडी या फिर अन्य खरीदारों द्वारा किया गया और उन्हीं के द्वारा उनकी पेमेंट की गई है। तो यह इसलिए घरेलू समर्थन की अधिसूची में उस तक को शामिल नहीं किया गया, तो यह अभी तक संभव नहीं है। ब्राजील, कनाडा, कोस्टा रिका, पेरावे, न्यूजीलैंड, यूरोप संघ और ग्वाटोमाला ने भारत से सब्सिडी की अधिसूचना समय पर देने का आग्रह किया है। संकट झेलते पंछी। तो असम की बोरोल पहाड़ी में एक रहस्य से भरी जातिंगा घाटी है, जो कि पक्षियों की आत्महत्या के लिए जानी जाती है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि किस कारण इतने अधिक पक्षियों की मृत्यु हो रही है, इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि घाटी में किसी प्रकार के चुंबकीय दाव हो सकता है, क्योंकि उस जगह आकर पक्षी की उड़ान की गति तीव्र हो जाती है और वह अपना संतुलन खो देते हैं। इसी कारणवश वह वृक्ष या इमारतों से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपना प्राण गंवा देते हैं। किस तरह से लगभग 40 प्रजातियों के पक्षियों की आत्महत्या करने की स्थिति वहां देखने के लिए मिली है। वही जातिंगा के घने कोहरे वाले मौसम भी है, जिसके कारण पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, जो कि उनकी दृष्टि पूर्ण रूप से साफ नहीं देख पाती और वह किसी वृक्ष से टकराने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जब प्रथम बार इस घटना की बात करते हैं, तो 1900 में इस घटना को प्रथम बार देखा गया था, जहां इस घटना को वहां के लोगों द्वारा श्राप मानकर छोड़ दिया गया था। वहीं 1905 में जब जयंतिया लोग वहां आकर बसे, तो उन्होंने यह देखा कि यहाँ पक्षी अपने आप आकर मर जाते हैं और इसे आशीर्वाद मांगा, क्योंकि वह उन पक्षियों के मांस को खा लेते थे और उन्हें डंडे लाठी से अन्य पक्षियों को भी मारते थे, जिसके लिए जतिंगा में जागरूकता फैलाई और हर वर्ष जतिंगी उत्सव मनाया गया, ताकि पक्षियों के जो मृत्यु हो रही है, फिर जो उन्हें मारा जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। वहीं 20 से 30 वर्ष पहले एक ही रात में लगभग 1,000 पक्षी इन्हें यहाँ अपनी जान दे दी, जिसका कोई मुख्य कारण नहीं पता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि शिकारी जानबूझकर इस प्रकार का प्रकाश करते हैं, जिसकी वजह से पक्षी उसकी ओर आकर्षित होकर आते हैं और दीवार या पेड़ से टकराकर उनकी मृत्यु हो जाती है। 1957 में ब्रिटिश चाय बागान मालिक और पक्षी विज्ञान वैज्ञानिक EPG के द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में कहा गया था कि कोहरे के कारण, हल्की बारिश, धुंध और अंधेरी रात के कारण पक्षी टॉर्च या कार की रोशनी के आगे नहीं आते, लेकिन हल्के और चमकदार प्रकाश के आगे आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। 1977 में भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण के बर्ड एक्टिविस्ट वैज्ञानिक सुधीर सेन गुप्ता द्वारा उन पक्षियों के बारे में लिखा गया, जिसमें उन्होंने अपनी राय में कहा कि यह सबने यही कहा है कि यह घटना दुनिया में और कहीं नहीं होती, किंतु यही होती है। बर्डमैन ऑफ असम के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति अनवरुद्दीन चौधरी जतिंगा ने भौगोलिक स्थिति को यह कारण बताते हुए कहा है कि जतिंगा समुद्री तल से 200 मीटर ऊपर है और इस इलाके के चारों तरफ दो
तरफ 1000 2000 मीटर ऊंची पहाड़ियां। और अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि खाने के लिए एक दूर निकल गए पक्षी जब वापस लौटते हैं तो उसमें से जो छोटे पक्षी होते हैं जो थक जाते हैं और जो जो बीमारी से ग्रस्त होते हैं वह वहां आकर उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर चौधरी ने लिखा है कि मलेशिया और फिलीपींस में भी कुछ ऐसे स्थान पाए गए हैं जहां पक्षियों के झुंड एक साथ मर जाते हैं। उन स्थानों पर चिड़िया रात में उड़ान क्यों भरती है अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि देखने को मिलता है किस तरह से चिड़िया शाम होते ही वापस चली जाती है और वह सुबह के समय ही बाहर आते हैं। लेकिन रात के समय ऐसा क्या हो जाता है कि चिड़िया उस स्थान पर उड़ान भरती है, यह अभी भी चिंता का विषय है। धरती पर जब हम चिड़ियाओं की बात करते हैं तो उनका होना भी अनिवार्य है क्योंकि उनसे पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। अगर हम बात करें गौरैया चिड़िया की तो 1958 से लेकर 1962 के दौरान चीन में हुई घटना से हम इस देख सकते हैं कितना अधिक प्रभाव पड़ा था, जो कि माओत्से तुंग के अधिकारियों ने गौरैया के फसल खा जाने के कारण फसल में होने वाली हानि को रोकने के लिए जितनी भी गौरैया चिड़िया वहां पर मौजूद थी तो ग्रेट स्पैरो कैंपेन चलाया, जिसकी वजह से 30 लाख लोगों ने बड़ी संख्या में सभी गौरैया को मार गिराया। और जिसके पश्चात देखा गया कि अगले ही साल अत्यधिक कीट जो कि गौरैया खाती थी और उसके अलावा टिड्डे जैसी संख्या वहां पर देखने के लिए मिली और भयानक अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण तब चीन को रूस से आदि और अन्य देशों से गौरैया चिड़िया का आयात करना पड़ा, जिसकी वजह से वहां होने वाली समस्या को रोका जा सके। तो पारिस्थितिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि वह पारिस्थितिक तंत्र बना रहे और सभी के जीवन को महत्व है, चाहे वह पक्षी है। पक्षियों के जीवन का भी उतना ही महत्व है जितना मनुष्य का। यह अनिवार्य है कि उन्हें भी उनके स्थान पर जीवित रखा जाए और उनके साथ होने वाली क्रूरता को रोका जाए। कोर्ट ने 2006 तक के भूमि अधिग्रहण को बताया सही। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की गई थी, जिसके द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली राज्य और औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली मेट्रो रेल निगम जैसी विभिन्न संस्थानों को आवास योजना, उद्योग और फ्लाईओवर, मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई थी, जिसके लंबी अवधि के बाद 1957 से लेकर 2006 की लंबी अवधि के बाद उन्हें यह जमीन मुहैया करवाई गई थी। लेकिन उसके ऊपर लगाए गए आरोप में, जिसमें भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के संदर्भ में कार्रवाई की घोषणा की गई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने सही बताया और तथा उच्च आवंटन की तिथि बताई। भारत में युवाओं में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं तो गैर एनजीओ के द्वारा, जो गैर सरकारी संगठन के द्वारा एक संचालित हेल्पलाइन नंबर चलाया गया था, जिसपे कोई भी व्यक्ति कैंसर से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए और वीडियो कॉल के द्वारा अपनी समस्या विशेष कैंसर प्रमुख विशेषज्ञ को बता सकता है और उससे सीधा बात कर सकता है। यह हेल्पलाइन नंबर कैंसर मुक्त भारत के लिए बनाया गया था ताकि लोगों की पहुंच चिकित्सक तक आसान बनाई जा सके और उनके लिए हेल्पलाइन नंबर मुहैया कराया जा सके। यह देखने के मिला किस तरह से चिकित्सा से परामर्श लेने वाले कैंसर रोगियों के बीच में 20% के व्यक्ति 40 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। यह एक संकेत है किस तरह से युवाओं में कैंसर की चपेट में आने के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर मुक्त भारत फाउंडेशन के अनुसार 15 मई और 1 मार्च से 15 मई के बीच में 1368 लोगों ने कॉल किए, जिसमें 60% 40 वर्ष से कम उम्र के 60% पुरुष अधिक थे। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से सिर और गर्दन के कैंसर, गैस्ट्रोटाइन कैंसर, स्तन कैंसर, रक्त कैंसर जैसे कैंसर के मामले हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे अधिक हमें सिर और गर्दन के कैंसर के मामले देखने के लिए मिलते हैं। और वहाँ हैदराबाद से सबसे अधिक कॉल किए गए। हैदराबाद, मेरठ, मुंबई, दिल्ली ऐसे स्थान है जिन पर सबसे अधिक कॉल किए गए। किस तरह से निःशुल्क राय उपलब्ध की जाती है और व्यक्ति से बात की जाती है। सिर और गर्दन के कैंसर को सबसे अधिक मामले हैं, लेकिन वह जीवन शैली में सुधार, टीकाकरण, पूर्ण जांच और दवाइयों के द्वारा रोका जा सकता है। इसलिए अनिवार्य है कि उनके ऊपर पूर्ण रूप से उपचार किया जाए ताकि कैंसर के बढ़ते हुए खतरे को रोका जा सके। भारत में पता लगाए गए कैंसर के मामले में से 27% मामले एक और दो चरण में देखने के लिए मिलते हैं, जबकि 63% मामले ऐसे होते हैं जिसमें तीसरे और चौथे चरण में होते हैं। दूसरी राय के तहत परामर्श लेने से कैंसर रोगियों को आम सलाह दी जाती है कि वह कैंसर का इलाज करवाए और कैंसर संबंधित इलाज के लिए उपचार, दवा उपलब्ध के बारे में जानने और उनके क्या
किस तरह से दवाइयों की मंजूरी दी जाती है और आम सलाह दी जाती है उन सभी के उपचार के लिए, यानी कैंसर मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य से शिक्षा और शीघ्र पता लगाने के माध्यम से व्यक्तियों और समुदाय में कैंसर के होने वाले मामलों के असर को कम ही देखने के लिए मिली है। किस तरह से जागरूकता बढ़ाने, उनके प्रति शिक्षित होने और उनके विषय में न्यूनतम जानकारी रखने से विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। पेरियार नदी में बड़ी संख्या में मछलियां मरी, केरल सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। तो पेरियार नदी में इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत के होने के कारण का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें मछलियों की मौत के कारण का पता लगाया जाएगा। और जिसे हमें देखने मिला था, स्थानीय निवासी और किसानों के कारण वहां पर निरंतर प्रदर्शन किया जा रहा था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के द्वारा अपनी अलग अलग रिपोर्ट पेश की जाएगी। नदी के जल में अमोनिया और सल्फर मौजूदगी का भी आरोप लगाया जा रहा है, जिसके कारण सल्फर और अमोनिया के कारण मछलियों की मृत्यु हो रही है, जो कि जैव अवशिष्ट या रासायनिक कचरे के कारण हुआ है। वहीं कारखानों से निकलने वाले कूड़े या रासायनिक को नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण यह समस्या देखने के लिए मिल रही है। बांग्लादेश में चक्रवात तूफान रेमिल के दस्तक देने पर देखने के मिला, किस तरह से बांग्लादेश के तट पर पहुंचने वाले रहने वाले लोगों 8 लाख से अधिक लोगों को स्थानांतरित किया गया, ताकि उन्हें इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। जबकि चट्टगांव शहर सहित दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में अधिक खतरे की चेतावनी दी गई है। जब हम ज्वार की बात करते हैं, तो 8 से 12 फुट ऊंचे ज्वार आने का जलमग्न होने का संभावना वहां दर्शाई गई है। जब हम ज्वार भाटा की बात करते हैं, तो ज्वार भाटा पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं, जिसमें हम समुद्र में बड़ी बड़ी पानी की लहरों को उठते हुए देखते हैं और फिर वह गिर जाती है। ज्वारभाटा की प्रतिक्रिया, जो कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। चटगांव बंदरगाह प्राधिकरण में चक्रवात के तट की ओर बढ़ने और बंदरगाह पर सभी प्रचलित निलंबित कर दिए गए हैं, ताकि वहां कोई घटना ना घटे। 10 देशों में से 10 व्यापारिक साझेदार देशों में से 9 देशों के साथ भारत को व्यापार घाटा देखने के लिए मिला है। 2023-24 के दौरान चीन, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया समेत शीर्ष 10 व्यापार साझेदार देशों में से 9 में देखने के लिए मिला है। किस तरह से व्यापार घाटा आयात और निर्यात के बीच का अंतर है। जब हम व्यापार घाटे की बात करते हैं, तो कितना आयात हुआ और कितना निर्यात किया गया, उनके बीच का अंतर ही व्यापार घाटा कहा जाता है। 2023-24 में चीन के साथ व्यापार घाटा जो है 85 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। वहीं रशिया के साथ 57.2 अरब डॉलर, दक्षिण कोरिया के साथ 14.71 अरब डॉलर, हांगकांग के साथ 12.2 अरब डॉलर तक हो गया है। किस तरह से व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। वहीं चीन के साथ आयात पर निर्भरता इतनी अधिक हो गई है कि 118.4 अरब डॉलर तक आयात पहुंच गया है, जो कि जिसकी वजह से वह चीन प्रथम स्थान पर आ गया है, जो कि भारत के साथ व्यापार किए जाते हैं अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए। भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 118.28 अरब रहा। वहीं जब हम 4 प्रमुख व्यापार देशों की बात करते हैं, जो कि एशियाई गुट में शामिल होते हैं, जिनके साथ मुफ्त व्यापार समझौता किया गया है, भारत ने 2000 वह है सिंगापुर, यूएई, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया। भारत का 2023-24 में अमेरिका के साथ 36.74 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा था। अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल पर प्रतिबंध लगाने, तो देखने के मिला किस तरह से साइबर क्राइम और कॉल के द्वारा हेरा फेरी या फिर डिजिटल गिरफ्तारी जैसी समस्याएं, या फर्जी घोटाले, ड्रग्स और कुरियर नशीले पदार्थ से संबंधित समस्याओं में उत्पन्न हो रही समस्याओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों को भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली सभी का इकोनॉमिक इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों की पहचान की जा सके और उन्हें किसी भी भारतीय टेलीकॉम ग्राहक तक पहुंचने से रोका जा सके। एक ऐसी प्रणाली तैयार की जा रही है। अब ऐसे आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को रोकने के लिए टीएसपी के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अनुसार दूरसंचार विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारतीय लैंडलाइन नंबरों के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल टीएपी के द्वारा पहले ही ब्लॉक कर दिया जाए।
बन्नी मैदान में लूना क्रेट। तो कच्छ, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में बन्नी मैदान है, बन्नी घास के मैदान है, जो कि वहां पर 1.8 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा जिसे लूना क्रेटा क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो कि कंफर्म हो गया है बड़े ही शुद्र ग्रह के प्रभाव के परिणाम स्वरूप बना हुआ है, जिसे परिदृश्य को नया आकार देखने के लिए मिला है। यह लगभग 6905 साल पुराना है। जब हम लूना क्रेटर की बात करते हैं, तो यह लूना क्षेत्र प्राचीन हड़प्पा स्थल से जुड़ी एक बस्ती में से एक है। तो भारत के अन्य प्रभावों की बात करते हैं जहां हमें इस प्रकार के क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं, वह है मध्य प्रदेश में क्रेटर की वजह से ढाल, महाराष्ट्र में लोनार झील और राजस्थान में रामगढ़ जैसे क्षेत्र यहाँ पर शामिल है। बन्नी क्षेत्र की बात करते हैं, तो गुजरात के कच्छ के महावन के पास बन्नी घास के मैदान है, जो कि एशिया के सबसे बड़े घास के मैदानों में से एक माने जाते हैं, जो कि 2618 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए, जो गुजरात के चारागरा का 45% है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर कर।